भाजपा की दिग्गज महिला नेता पूर्व मंत्री एवं राजसमंद की भाजपा विधायक किरण महेश्वरी का मंगलवार को उदयपुर में अंतिम संस्कार किया गया। किरण के निधन पर देश प्रदेश के नेताओं और भाजपा पदाधिकारियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। किरण की पार्थिव देह एम्बुलेंस से शाम 7:15 उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल लाई गई। मेदांता हॉस्पिटल से पार्थिव देह सोमवार सुबह उदयपुर के लिए एम्बुलेंस में रवाना हुई तो राजसमंद में कुछ समय के लिए रोककर वहां एकत्र लोगों ने उन्हें नमन किया। फिर शाम को उदयपुर पहुंची एम्बुलेंस के साथ कार्यकर्ताओं के वाहनों का काफिला भी रहा। उदयपुर में अंबा माता स्थित निवास पर मंगलवार सुबह 8 से 9:30 बजे तक कोविड प्रोटोकॉल के तहत पार्थिव देह दर्शनार्थ रखी गई। इसके बाद सुबह 10:30 बजे निवास से अंतिम यात्रा रानी रोड मोक्षधाम के लिए प्रस्थान की गई। किरण महेश्वरी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित अनेक गणमान्य लोगों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। विधायक किरण महेश्वरी का जनता से सीधा जुड़ाव था। लोकप्रिय छवि के कारण राजसमंद में 17 साल से एक छत्र राजनीति कर रही थी। उनके निधन से पूरा राजसमंद स्तब्ध है। उनका राजसमंद से पुराना नाता रहा है। वर्ष 1985 में उनके पति सत्यनारायण महेश्वरी कांकरोली जेके टायर कंपनी में लेखा शाखा में अकाउंट्स ऑफिसर थे। तब किरण और उसके पति राजनगर दयाल शाह किला मार्ग पर मार्बल व्यवसायी हेमंत लड्डा के निवास में किराए पर रहते थे। तब वे भाजपा महिला मोर्चा की सक्रिय कार्यकर्ता थी। उदयपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर जीतने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजसमंद में 2008 से लगातार 3 बार विधायक रही। उदयपुर सांसद रहते 5 साल और इसके बाद 3 बार विधायक रहने पर 12 साल मिलकर कुल 17 साल वे राजसमंद की राजनीति से जुड़ी रही। वर्ष 1995 में उदयपुर नगर परिषद में सभापति के चुनाव में पार्टी ने उन्हें डॉक्टर गिरिजा व्यास के सामने उतारा। सभा में मौजूद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी काफी प्रशंसा की। किरण का भाषण सुनने के बाद वाजपेयी ने कहा था कि आपको राजनीति में आगे आना चाहिए। राजसमंद में किरण महेश्वरी के अंतिम दर्शन करने के लिए शहरवासी और भाजपा कार्यकर्ता उमड़ पड़े। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल से उनका शव एम्बुलेंस से राजसमंद होते हुए उनके निवास उदयपुर ले जाया गया था। हमारी विधायक आदरणीय किरण जी का यूं चले जाना स्तब्ध कर गया। किरण महेश्वरी जी न केवल महिलाओं की वरन राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की दमदार आवाज थी। वो तीसरी बार की विधायक, इस बार एक बार 14वीं लोकसभा की सांसद रही। लेकिन उनका जीवन देखें, उन्होंने बहुत जमीनी और धरातल स्तर पर काम शुरू किया। महिला मोर्चे की जिला महामंत्री से लेकर उदयपुर जैसे शहर की सभापति के रूप में अपना जीवन उन्होंने शुरू किया और कालांतर में उन्होंने बहुआयामी गतिविधियों के माध्यम से अपनी बहुमुखी प्रतिभा को मुखरित किया। सहकारी आंदोलन से वो जुड़ी, सामाजिक संस्थाओं से वो जुड़ी, वैश्य समाज के अनेक संस्थाओं से वो जुड़ी और इसी तरीके से अनेक दुर्गा वाहिनी से लेकर ऐसे धार्मिक और सामाजिक संगठनों से भी उनकी उपस्थिति वास्तव में उल्लेखनीय होती थी। और सदन में जब वो बोलती थी तो चाहे मंत्री के नाते विपक्ष को निरुत्तर करना हो और या विपक्ष में है तो सत्ता के पक्ष के लोगों को निरुत्तर करना, उनकी मुखरित वाणी से ये होता था सदन में। संगठक के रूप में महिला मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष से लेके पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री से लेके और प्रदेश में महामंत्री के नाते 2004 में मेरे साथ प्रदेश महामंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। पार्टी के प्रदेश के परिवार की बड़ी क्षति है। मेवाड़ में बड़ी रिक्तता हुई है और केवल मेवाड़ में, मैं तो ये कहूँगा कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार आज शोकाकुल है, क्योंकि किरण जी का चले जाना एक बड़ी क्षति हमारे परिवार को है। उनकी शून्यता को भरे जाना संभव नहीं है।